हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट रह सकती है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हमारी निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी के लिए मैंने कल आपको लेवल्स दिए थे, बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे। फिर बैंक निफ्टी के अंदर आपका लेवल 51,446 का हो या फिर निफ्टी के अंदर आपका लेवल आज के दौरान 25,072 का लेवल हो, या कल जो वीडियो के अंदर कहा था 25,200 सेफ ट्रेडर के लिए जाएगा तो फाड़ के जाएगा, क्योंकि देसी लठ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? देसी लठ। और इसका मतलब होता है एजुकेशन। आपकी एजुकेशन में दम होगा तो हाँ, मार्केट मूवमेंट करेगा ही करेगा। मॉर्निंग के दौरान जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट के अंदर मूवमेंट आपकी जरूर 2 बजे बाद आई थी। मार्केट के अंदर मूवमेंट जरूर 2 बजे के आसपास आई थी, बट मार्केट ओपन होते ही दिमाग के अंदर मेरे पर्सनल जो मूवमेंट थी वो कंफर्म थी कि मार्केट जैसे 25,072 को निकालेगा उसके बाद में एक रॉकेट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से 12 बजे के बाद भी मैंने आपको एक मैसेज और किया था कि पाइस निफ्टी चार्ट। ये क्यों था? ऐसा क्यों था? क्योंकि भाई साहब, अपन खुद इधर पंगे लेकर बैठे थे, अपन खुद इधर पंगे लेकर के बैठे हुए थे मॉर्निंग से, क्योंकि रैली चार्ट के ऊपर आपको 2 बजे बाद दिखाई दी थी, बट देव के दिमाग में कल से चल रही थी कि हाँ, आज मार्केट के अंदर कुछ होने वाला है। और ये क्यों हुआ चार्ट के ऊपर समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल के दौरान मैंने आपसे कहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें पहले, सबसे पहले तो मैंने आपको एक ही लेवल दिया था। मैंने आपसे कहा था आज से पहले, परसों के दिन मैंने आपसे कहा था कि जब तक 51,600 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक बड़ा मत सोचना, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दौरान हमें ये लेवल देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी ने अपना हाई लगाया था 51,400 का, और यहीं से मार्केट वापस आपका डाउन साइड की तरफ परसों के दिन वापस, कल के दौरान मार्केट वापस आ गया था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन। फिर मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर कहा केवल एक ही लेवल याद रखना, 51,446 42 जो भी था, 43 का जो भी लेवल था, उसके बाद में मार्केट आपको दिखाएगा 51,600, और उसके बाद में 51,720, और उसके बाद में एक रॉकेट मूवमेंट हो सकती है 51,800 प्लस की, और मार्केट हमें दिखाता है 51,900 का जबरदस्त लेवल। निफ्टी के अंदर भी हमने बात की थी कि निफ्टी के अंदर जब तक डाउन साइड की तरफ मार्केट आपका, कल मैंने आपको कहा यही था, मैं चाहता हूं पहले मार्केट मुझे 25,200 के आसपास मिले तो शॉर्ट के बारे में सोचूंगा, अगर मुझे मार्केट 25,000 के आसपास मिलता है तो फिर डाउन साइड वाली मूवमेंट स्लो हो सकती है, धीरे धीरे हो सकती है, और देव इसके लिए कतई ही तैयार नहीं था। हम तो ये सोचकर आज बैठे हुए थे ठीक, और हमें आज मार्केट दिखाता है निफ्टी के अंदर मार्केट लाइफ हाई लगाता है, जबरदस्त जैकपॉट देखने को मिलता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहता रहता हूं, लड़नो, ये 22 दिन का गेम चलता है महीने के अंदर, बट इसके अंदर आप अपने आप को कंट्रोल कर लो तो 5 और 6 दिन के लिए आपके पास फंड भी होगा और उस दिन ये वाले गेम प्लान भी कर लोगे। फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर 4 कैंडल अगर कोई आज के दिन अगर उसके ऊपर वर्क किया होगा तो गारंटी 101% की जाकर के, अगर जो 4 कैंडल का वीडियो जिसने देखा है और जिसने वो स्ट्रेटेजी देखी है तो आज उसे कोई नहीं रोक सकता, इसको लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि 4 कैंडल का नियम और 4 कैंडल के ऊपर जिस तरीके से वर्क किया गया कि फर्स्ट की 4 कैंडल 1 2 3 4 दो कैंडल होल्ड, उसके बाद में देखनी है कि मार्केट क्या करता है, तो उसको इस कैंडल का भी पता होगा कि ये कैंडल क्यों बनी थी इतनी बड़ी, उसको इस कैंडल का भी पता होगा, और उसको एक नियम और पता होगा कि जब 4 कैंडल वाला मामला वर्क करता है तो कि डर होता है ना अचानक से। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, इंसान के अंदर डर क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक झटके, मार्केट सारे दिन रेंज में है और झटके से एक कैंडल बनेगी, फिर
फिर उसके मन के अंदर डर होता है यार, जो प्रीमियम अभी 20 रुपए का चल रहा था अब अचानक से 80 पे चले गया, अब मैं इसमें गलती से फंस गया तो भाई साहब क्या भरोसा ये वापस 50 पे आ जाए, 20 पे आ जाए, 30 पे आ जाए, तो अपन तो अपने तो एल लग जाएंगे। बट जिसके पास चार कैंडल की स्ट्रेटेजी है वो इस जगह उसने रिस्क लिया होगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर देख लेना, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख लेना, चार कैंडल का जो स्ट्रेटेजी है उसके कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ऑटोमेटिक बोलती है, वो लाडले ऑटोमेटिक बोलेंगे जो चार कैंडल के नियम को जानते हैं, क्योंकि उनको पता है फोर कैंडल अगर वर्क कर रही है तो फिर ट्रैपिंग नहीं होगी, फिर ट्रैपिंग नहीं होगी, क्योंकि वो बनाया ही इसीलिए, फोर कैंडल का नियम इसीलिए बनाया गया था कि जब मार्केट के अंदर 22 दिनों के अंदर से आपका 5 और 6 दिन वाला मामला रहे उसको आप कैच कर सको, बाकी 15 दिन को आप पकड़ सको कि ये इस दिन मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं होगी, उस दिन आप मार्केट में वर्क ही नहीं करोगे, उस दिन आप मार्केट के अंदर वर्क नहीं करोगे, नहीं फंसोगे, बड़ा फंड नहीं इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, बात कर लेते हैं कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। और एक चीज और याद रखना, निफ्टी रानी या बैंक निफ्टी रानी बुआ जी पोल में ही है, बुआ जी भी पोल में ही है। ठीक है, अब सुनो 51,700 के आसपास बैंक निफ्टी खड़ी है, एक लेवल सुनो 51,980 अपसाइड के लिए। अगर मार्केट कल इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है सस्टेन होके तो लेवल देखने को मिलेंगे 52,140, 52,220, एक अच्छा खासा जैकपॉट अपसाइड की तरफ। वो लेवल सुनो 52,346 इसके ऊपर। और ऐसी बात नहीं है, आपको मैंने बता रखा है यार, आप लोगों को मैंने बता रखा है 51,500 को जिस दिन ब्रेक करेगा बम मिलेगा बम। नहीं मानो तो वीकली जो वीडियो बनाता हूं सैटरडे संडे उसको जाकर के देख लेना, लेवल मिल जाएंगे, उसको जाकर के देख लेना कहां फटेगा, निफ्टी का देख लेना, बैंक निफ्टी का देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है, डाउन साइड के बारे में कब सोचेंगे, अब हमारे पास एक रेंज है, अब हमारे पास एक रेंज है, कौन सी वाली रेंज है, ये वाली हमारे पास इंपोर्टेंट रेंज रहने वाली है 51,400, जहां से आज मार्केट फाड़ के निकला था, जिस लेवल को मार्केट ने एक बड़ी कैंडल से तोड़ा है वो रेंज हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाती है। एक अच्छी खासी मूवमेंट डाउन साइड के बारे में अगर हम सोचेंगे तो केवल और केवल 51,312 के नीचे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। कल मार्केट आपका हैवी गैप अप ओपन हो जाए, मान लीजिए कल मार्केट आपका हैवी गैप अप ओपन हो जाए 52,000 के आसपास, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पेशेंसली वेट करना है, या तो 52,122 को अपसाइड की तरफ तोड़े तब अपसाइड के बारे में सोचेंगे, या डाउन साइड की तरफ आकर के 51,700 को ब्रेक करे तो यहां से फिर हमें 150 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, मार्केट 51,600 या 580 तक डाउन साइड की तरफ आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात हो गई, बात कर लेते हैं निफ्टी रानी की। निफ्टी रानी ने आज मजे करवा दिए, ज्यादा इसको कष्ट नहीं देंगे, इसको बस इतना सा सुन लो 25,455। ठीक है, डाउन साइड की तरफ 25,248। इस बीच जहां मिले छोटी छोटी मूवमेंट के अंदर खेलो, कुछ बड़ा सोचना है ये है और ये है, बस इसके नीचे इसके ऊपर 70 to 80 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। भाई साहब जैसा इसका नाम है उतने इसके अंदर मजे, ये चलता है फाड़ के, और बायर्स का जिस दिन ये फाड़ना चाहता है बड़ा जबरदस्त फाड़ता है, क्योंकि इसके प्रीमियम इसी तरीके से चलते, इसके प्रीमियम इसी तरीके से, देखो 10 रुपए का प्रीमियम 300, 500 का प्रीमियम 10 रुपए, इसके मामले ऐसे ही है। स्टॉप लॉस वगैरह काम नहीं करते इधर स्टॉप लॉस वगैरह काम नहीं करते, इसके अंदर काम करने के लिए ये चाहिए कलेजा, क्या चाहिए, कलेजा चाहिए, या फिर इसके अंदर आप काम करो तो आपको लेवल्स की बिल्कुल परफेक्ट
तरीके से गणनाएं आपके पास होनी चाहिए, उसी के हिसाब से आप इसके अंदर स्टॉप लॉस ले सकते हो या उसी के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हो या उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका 100 रुपए का प्रीमियम है सपोज कीजिए और वो 70 आ गया है और आपका मन नहीं कर रहा और इसको एवरेज करने का काम अगर आपके दिमाग में है तो लेवल्स के अकॉर्डिंग ही एवरेज किया जाएगा, ओनली ऑन लेवल्स। ठीक, गौर से सुनो, कल का मामला बैंक सेंसेक्स का 83,313, इस लेवल को याद रखना। डाउनसाइड की तरफ बात करूं 82,747, बस ये दो लेवल याद रखना। जब तक इसको ना तोड़े, जब तक इसको ना तोड़े कुछ मत करना। जी हाँ, चाय नाश्ता बिस्किट पार्ले जी वाले अगर मिले वो ले लेना छोटे छोटे, बाकी बड़ा इनके ऊपर ही सोचना। अगर 83,313 को ब्रेक करता है तो फिर हमें दिखाएगा 83,500 का साइकोलॉजिक लेवल, यहां पर भी इसके ऊपर भरोसा मत करना। अगर इसके ऊपर रियलिटी में बिलीव करना है कि अपसाइड की तरफ जाएगा तो एक लेवल दे रहा हूं 83,624, इसके ऊपर ये भाई साहब सस्टेन हो जाए तब इसके अंदर 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ और देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ये चलता है तो मजे में चलता है। देखो जैसे 83,624 में सस्टेन हो गया तो जरूरी नहीं है 200 की दे, ये आपको 300 भी दिखा देगा, ये आपको 500 भी दिखा देगा। ओ भाई साहब ऐसे ही है, ये बड़ाके से चलता है, फिर ये नहीं देखता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी पीछे रह गई, ये अपनी मौज में चलता है। ठीक है, डाउन साइड की तरफ केवल 82,700 के नीचे ही सोचना, उससे पहले मत सोचना। और अगर आप नए हो तो आप हमारे हमारे साथ जुड़ सकते हो, एजुकेशन रिलेटेड आप हमसे जुड़ सकते हो, बेसिक टू एडवांस हमारा कोर्स है, इसके अलावा ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, अपने नाम के अकॉर्डिंग ऐसी एजुकेशन कि हाँ मार्केट के अंदर मैं लोगों को पैसा कमाना नहीं सिखाता, जी हाँ मैं पैसा कमाना नहीं सिखाता, या मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप मेरे पास आओगे तो करोड़पति बन जाओगे, आप मेरे पास आओगे तो करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं करता। एक्चुअली मेरे पास जो स्टूडेंट होंगे मैं क्या सिखाता हूँ, मैं बचना सिखाता हूँ बस। खेल के अंदर, कुश्ती के अंदर एक गेम का ख्याल रखना, अगर तैरना सीखना है तो तैरना सीखने की जरूरत नहीं है, गौर से सुनना, अगर पानी के अंदर तैरना सीखना है तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है तैरना, केवल अपने कोच से इतना सा सीख लो कि सर पानी के अंदर हम डूब के मरे नहीं, वो स्ट्रेटेजी सिखा दो, बाकी तो हाथ पैर तो मार के सीख ही जाएंगे। समझ रहे हो गौर से, पानी है, अगर कहीं कुछ सीखना है ना इस मार्केट के अंदर, कहीं से भी सीखो आप, कहीं से भी कुछ सीखो, पानी के अंदर तैरना कभी मत सीखना। जो कोच आपको सिखाए उसको केवल इतना 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 पूछना, एक ऐसी स्ट्रेटेजी पूछना, इस पानी के अंदर डूबने से मरे नहीं, केवल इतना सिखा दो, बाकी हाथ पैर मार के भाई साहब अपने आप सीख जाओगे तैरना। तो मैं केवल इस मार्केट में इतना सिखाता हूं कि वो 22 दिन के अंदर से, एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर से ये मार्केट भाई साहब 22 दिन चलता है, इस 22 दिन के अंदर से केवल और केवल 6 या 7 दिन मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। आज की मूवमेंट को देख करके पगला गए होंगे कई सारे बायर्स, और कल भाई साहब जो आज कमाया उसको कल निपटा देंगे, वो कल नहीं तो परसों निपटा देंगे। ठीक है, एक्चुअल में जो 22 दिन के अंदर से 6 और 7 दिन होते हैं, इस दिन तो मूवमेंट होती है और फिर बचे कितने 15 दिन, इन 15 दिन के अंदर सस्टेन होना सीख लो, बस रियलिटी कह रहा हूं मार्केट में सस्टेन हो जाओ। कारण क्या है, इन 15 दिनों के अंदर ही डूबते हैं, कैसे डूबेंगे आज भाई साहब, ये तो लास्ट के अंदर भला हो कोई बहरूजी बालाजी का जे मूवमेंट आ गई, वरना आज मैं खुद डूब रहा था। रियलिटी बता रहा हूं 4 लाख रुपए माइनस लेके बैठा हुआ था। कारण क्या था, क्योंकि मैं खुद मूवमेंट सोच के, डाउनसाइड के बारे में तो मेरा ख्याल ही नहीं था, मैं 25,000 कॉल लेके बैठा हुआ था,
उसके अंदर लॉस चल रहा था मेरे, उसके अंदर लॉस चल रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं जाएगा नहीं, आएगा नहीं। आप सुबह 10 बजे पोजिशन बना के बैठोगे, कब तक इसको झेलोगे? प्रीमियम डीके होगा या प्रीमियम डीके होगा, ये तो भला हो भैरोजी बालाजी महाराज का जो ये मूवमेंट आ गई, आनी थी मेरे ख्यालों में तो मॉर्निंग से थी कि आएगी, पर वही है ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और ये आती है 2 बजे। बोलो, ये तो अच्छा हुआ दिन के 2 बजे आ गई, रात के 2 बजे आती तुम। इसलिए कहता हूं लड़ लो या कमाना मत सीख, रियलिटी बता रहा हूं, मार्केट सीखना है ना, कमाना मत सीख। यहाँ पर तुम केवल वो 15 और 20 दिन, वो इस महीने के अंदर वो 15 दिन सस्टेन होना सीख लो बस, कि मुझे किस तरीके से अपने फंड का मैनेजमेंट करना है, मुझे किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करना है। आप लोगों को यही नहीं पता अभी हाल फिलहाल कि मूवमेंट कहाँ आ रही है, मूवमेंट कहाँ आ रही है। आप आजकल और टिपिकल हो गए मार्केट, बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ जा रहा है, निफ्टी भाई साहब नाचने को तैयार नहीं, या फिर डाउन आएगी। ठीक है, आपने निफ्टी के अंदर पोजीशन बना ली और आपको पता चल रहा है बैंक निफ्टी 300 पॉइंट के मूवमेंट कर दी भाई साहब, और इधर कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं, आपको यही नहीं पता मुझे वर्क किस इंडेक्स में करना है, कब करना है। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज समस्या यही तो है, जिंदा रहना सीख लो और जीना ये दुनिया सिखा देगी। कह रहा हूं ना मैं आपसे, आप केवल जिंदा रहना सीख लो। कोई बच्चा पैदा होता है, हम यहाँ पर अभी स्पेनिश लैंग्वेज को, स्पेन से कोई बंदा हमारे इंडिया आ जाए, हमारे आस पड़ोस में रहने लग जाए, तो साला अपनी लैंग्वेज में बकेती करेगा, हमको समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब अंग्रेजी के 2-4 वर्ड तो हम जानते हैं, तो उसको जवाब दे देंगे टसन में आकर के, हेलो ब्रो ये वो बाबा जी का घंटा। ठीक है, बट भाई साहब हमारे एक बच्चा जब पैदा होता है उसको हिंदी सिखाते हैं, अपनी मातृभाषा सिखाते हैं, हम राजस्थानी बोलते हैं, हम उसको आप लैंग्वेज सिखाते हो क्या उसको? केवल इतना सिखाते हो ना, बाबू पापा मम्मी, बस माँ बाप बोलना सिखाते हो, उसके अलावा और कुछ सिखाते हो? नहीं सिखाते ना, बाकी वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही माहौल में रह रहा है, वो ऑटोमेटिक सीखेगा भाई साहब, वो लैंग्वेज भी सीखेगा, वो अच्छी बातें भी बोलना सीखेगा, वो माहौल जैसा होगा गंदी लैंग्वेज भी सीखेगा वो। तो एक्चुअली में आप जिंदा रहना सीख जाओ इस मार्केट में बस। और जिंदा इस मार्केट में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? इस मार्केट में जिंदा रहने के लिए आपकी सांसों की जरूरत नहीं है, आपकी सांसों के साथ यहाँ पैसे की जरूरत है। अगर ये पैसा आपके डीमैट अकाउंट में जिंदा है, ये जा नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा तो जाएगा, बट अगर ये पूरा नहीं जा रहा तो आप यहाँ जिंदा हो। आज नहीं कल सीख जाओगे, कल नहीं परसों सीख जाओगे, क्योंकि जिंदगी भी तो मार्केट है, इसी मार्केट की चार्ट की तरह चलती है। देखो मैं वन डे के हिसाब किताब में करके बताऊं आपको, जिंदगी ऐसे ही है, अचानक हमें लगता है हम गिर रहे हैं, ठीक है, फिर भाई साहब एक आती है तेजी धड़ाम से झक फर्स्ट क्लास, फिर हमें लगता है कि हम हवा में है, इसकी बैंड का हम चौड़े बाजार सकड़े, सब सामने से हट जाओ, फिर कोई ना कोई भाई साहब ऐसे लेके आता है सेट से डाउन, फिर हम यहाँ पर सस्टेन होने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पर सस्टेन होने की कोशिश करते हैं और वापिस हम इस तरीके से एक जर्नी स्टार्ट करते हैं। फिर भाई साहब कोई आ जाता है, फिर हम यहाँ पर गाना गाने लगते हैं, कौन सा वाला, हम चौड़े बाजार सकड़े हट जाओ सामने से, टिक्कर हो जाएगी, टक्कर लग जाएगी, फिर भाई साहब कोई ना कोई चूल मचा देता है, फिर भाई साहब हम इस तरीके से हवा में, ये चलता रहता है। जिंदगी भी हमारी लाइफ ऐसी है, ऐसे चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, बट ऐसे मत नहीं जाना है, थोड़ा आएंगे संभलेंगे, संभलेंगे किस बेस पे, एजुकेशन के दम पे संभलेंगे, ये जो संभलेंगे ना ये एजुकेशन के दम पे संभलेंगे। जिंदगी में क्या है, सस्टेन होना सीख जाओ, मार्केट हो जिंदगी हो या कुछ भी हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि इस दुनिया के अंदर कई लोग बोलते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट होता है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपके लिंक अगर अच्छे हैं तो बिना पैसे भी कई सारे काम होते हैं। बट लिंक कैसे होंगे, जब आप किसी ऐसी पार्टी या ऐसी गैदरिंग या ऐसे लोगों के आस पास रहोगे, आप वहां पर कुछ मत करो, आप वहां पर सस्टेन होने की कोशिश करो, बस वहां आसपास रहने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक आपको जानेंगे उनसे, ऑटोमेटिक आपकी जान पहचान होगी। आप कुछ मत करो, आप केवल उस गैदरिंग के बीच में रहने की कोशिश करो, आपके लिंक बनेंगे
ऑटोमेटिक आपको कुछ ना कुछ, देखिए इंसान से कुछ ना कुछ, एक इंसान को दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ मिलता है। अभी जो मेरे मेरे लिंक में जो इंसान है उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा या नुकसान मिला होगा, जो भी है क्या मिलता है, बट मिलता है। इसी तरीके से इस मार्केट के अंदर आप जिंदा रहो, बस इस मार्केट के अंदर आप जिंदे रहो, बने रहो, नए हो, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इस मार्केट में बने रहो बस। रेगुलर आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी एजुकेशन के दम पर, और जिंदा कैसे रहोगे एजुकेशन। बट जिस दिन आपने इसमें जुआ गैम्बलिंग करने की कोशिश की, भाई साहब इधर आ जाओगे, रियलिटी है ये, रियलिटी है। तो आज की वीडियो में बकवास थी, अगर आपको पसंद आती है आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, और अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि लाडलों को डोज की जरूरत थी, मेरे लाडलों को एजुकेशन की जरूरत। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।